देखते हैं विलेसी आए हैं तो कितना समय लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और अपने हिसाब से खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हड्डी को देख के खाइएगा, हड्डी लील जाने पर 1000 रुपए जुर्माना भी है। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में चिकन चाइनीज बिरयानी लगी हुई है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है चिकन चाइनीज बिरयानी खाने का चैलेंज होने चल रहा है, और यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चिकन चाइनीज बिरयानी लगी हुई है, तो हमारा चिकन चाइनीज बिरयानी ईटिंग चैलेंज है और जो सबसे पहले खाएगा वही 500 रुपये की राशि पाएगा। तो देखते हैं इस चैलेंज में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो इनाम की राशि लेकर के जाते हैं, और कितने ऐसे चैलेंजर हैं जो सिर्फ चिकन चाइनीज बिरयानी खा करके जाते हैं, और टाइम कोई नहीं है, जो सबसे पहले खाएगा वही विनर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो चिकन चाइनीज बिरयानी लगी हुई है इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पवन जी एक बार टर्म और कंडीशन फिर से बता दें कि जो जहाँ तक खाए, हाँ अगर जो सबसे पहले खाएगा उसको इनाम की राशि मिलेगी, जो नहीं खा पाएगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जहाँ तक खा पाएँ, जितना खा पाएँ उतना खाएँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं। इतने समय में खाइए, अपने हिसाब से खाइए, अगर कंप्लीट कर लेंगे तो इनाम की राशि मिलेगी, अगर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। किसी भी चैलेंजर से पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे जीते चाहे हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पवन जी अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई दबाव नहीं है, अगर लगता है कि हम नहीं जा खा पा रहे हैं तो वहीं से छोड़ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो देर न करते हुए हम अपने चैलेंज की ओर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले चैलेंजर के रूम में भाई साहब आ चुके हैं। तो पहले चैलेंजर के रूम में भाई साहब आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? बांके के। बांके मतलब बांके एक ग्राम सभा है, उस धरती से चलकर धर्मेंद्र जी आए हुए हैं और हमारा चैलेंज भी बांके जलालपुर में लगा हुआ है। हाँ। तो पवन जी हम चाहेंगे एक देर न करते हुए टाइमर चालू करें। शुरू हो जाए भाई। और टाइमर चालू हो चुका है, और टाइमर चालू हो चुका है, आप खाना चालू कर दीजिए। और यहाँ पर धर्मेंद्र जी है, थोड़ा सा कॉमेडियन का काम करते हैं, तो कॉमेडी के तर्ज पे आ चुके हैं, और अपने हिसाब से खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर दबाव नहीं है। बहुत बढ़िया। और आपको असुविधा हो तो प्लेट उठा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो सबसे कम समय में खाएगा वही इनाम की राशि पाएगा। तो जैसे धर्मेंद्र जी अगर एक मिनट में खाते हैं, उनसे पहले कोई खा लेता है तो वो टारगेट में आ जाएगा, धर्मेंद्र जी बाहर चले जाएंगे। भैया पानी ले लीजिए, बहुत गजब हो तो, और गिलास में डालते रहिएगा पानी। और धर्मेंद्र जी इस समय पूरी फुर्ती जो है बिरयानी को एकदम खटाखट अंदर कर रहे हैं। बिरयानी अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। भैया बाहर करेंगे तो आप भी चैलेंज से बाहर हो जाएंगे। चलिए खाते रहिए, हमको मत बताइए, खाते रहिए, समय मत बर्बाद करिए। हड्डी डायरेक्ट मुंह से मत निकालिए, यहाँ से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं धर्मेंद्र जी आए हैं तो कितने समय में कंप्लीट करते हैं, क्या एक मिनट के अंदर रहते हैं, एक मिनट से बाहर चले जाते हैं। एक मिनट के अंदर धर्मेंद्र कभी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत तो छटक जाएगी ही जाएगी बिरयानी। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं प्लेट को कितने समय में खाली करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और धर्मेंद्र जी पूरा अपना 100% लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह चैलेंज हमारा बांका ग्राम सभा में लगा हुआ है, और सबसे पहले चैलेंजर के रूप में धर्मेंद्र जी आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते ही देखते सिस्टम इनका हैंग हो रहा है, एरर मार रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। एरर मारे चाहे जो मारे, लेकिन धर्मेंद्र जी जुटे हैं तो जुटे ही हैं। हां, सारा खाली करना है, प्लेट खाली करना है, मतलब प्लेट खाली करना है, प्लेट खाली करना है, वो भी नहीं छोड़ना, सलाद भी, सलाद बचा के रखे। चलिए ठीक है, तो धर्मेंद्र जी हमको लगता है कि तौबा बोल चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। धर्मेंद्र जी को देख करके सारे भागने लग गए, मतलब ये फवारा चलाना चाह रहे थे लेकिन फवारे में पानी कम हो गया। धर्मेंद्र जी आए, हौसला दिखाए, धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं। और 1 मिनट 50 सेकंड में कम्प्लीट कर, ताली बजा दीजिए भैया। अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? बांका जलालपुर की धरती से चलकर आए हुए हैं बिमलेश जी, और हमारा चैलेंज भी यहाँ लगा हुआ। तो पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए, शुरू हो जाए। जैसे कि अभी धर्मेंद्र जी आए थे 1 मिनट 50 सेकंड, बहुत अच्छी कोशिश है। देखते हैं बिमलेश जी आए तो कितना समय लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और अपने हिसाब से खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हड्डी को देख के खाइएगा, हड्डी लील जाने पर 1000 रुपए जुर्माना भी है। बहुत गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिमलेश जी बहुत ही धैर्य पूर्वक जो है, लेकिन हम जुर्माना नहीं लेंगे, डॉक्टर लेगा जो हड्डी निकालेगा। चाइनीज का स्वाद ले रहे हैं और पानी भी रखा हुआ है, पानी का भी आनंद लेते रहिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है आवश्यकता पड़ने पर। बहुत गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, देखते ही देखते बिमलेश जी 30 सेकंड का समय खर्च कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अगर जरूरत पड़े तो पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं बिमलेश जी आए हैं तो कितना हौसला दिखाते हैं और कितने समय तक चैलेंज को लेकर जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं बहुत ही धैर्यवान हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का भी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगर यह वीडियो देखना चाहते हैं तो अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सर्च करिएगा,
और एक नहीं बहुत बढ़िया और बहुत धैर्य से खा रहे हैं भाई साहब। हमको लग रहा है 1 मिनट 30 सेकंड तक जाएगा चैलेंज। बहुत गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, देखते ही देखते 1 मिनट 5 सेकंड का समय विमलेश जी खर्च कर चुके हैं और धर्मेंद्र जी आए थे तो 1 मिनट 50 सेकंड में प्लेट को पूरी तरह से साफ किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। विमलेश जी भी धर्मेंद्र जी से आगे जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। हमको लग रहा है एक्सल पावर नहीं लगाए हैं धर्मेंद्र जी, विमलेश के आगे एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। कुछ कहे नहीं जा सकता, विमलेश जी धर्मेंद्र जी से पीछे भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, अब ऐसा लग रहा है कि विमलेश जी और 1.5 मिनट हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। धर्मेंद्र जी तो हरा, मतलब धर्मेंद्र जी तो हार जाएंगे विमलेश से पक्का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और अभी इनके प्लेट में चिकन भी पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, हड्डी देख के भैया खाइए। चिकन में हड्डी भी है तो देखिए हड्डी से कबड्डी खेल पाते हैं कि नहीं। और भाई साहब आए, हौसला दिखाए, भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। अभी धर्मेंद्र जी आगे बढ़त बनाए हैं, देखते हैं अगले चैलेंजर ग्रुप में कौन आते हैं और धर्मेंद्र जी को पीछे कर पाते हैं या नहीं। भाई साहब आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद की धरती से चल कर आए हुए हैं पंकज कुमार। और देखिए पंकज कुमार रह जाते हैं कि बिरयानी खा के विवाहित हो जाते हैं, तो देर न करते हुए टाइमर चालू कर दीजिए। और टाइमर चालू हो चुका है अभी, आप लोग देखे होंगे कि बहुत फुर्ती से प्लेट को उठा लिया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर उठाना चाहते हैं ऊपर उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और धर्मेंद्र जी आए हैं अभी 1 मिनट 50 सेकंड में पूरा प्लेट साफ किए, लेकिन अभी तक उनको जो है कोई पीछे नहीं कर पाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं धर्मेंद्र जी आए हैं तो कितने समय में बिरयानी कंप्लीट करते हैं। पंकज जी आए हैं इलाहाबाद की धरती से चलकर। और पंकज जी आए हैं तो हमको लग नहीं रहा है 1 मिनट लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, 1 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और देखते ही देखते पंकज इस समय काफी बिरयानी प्लेट से समाप्त कर चुके हैं। बहुत अच्छी कोशिश है, चिकन कुंडली मार के बैठा हुआ है। चिकन चाइनीज बिरयानी है और देखते हैं चिकन चाइनीज बिरयानी कितने मिनट में कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि बिरयानी तो पहले समाप्त हो जाएगी लेकिन चिकन जो है ये धर्मेंद्र से पीछे हो करा देगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। तो सभी चैलेंजरों से निवेदन है कि कृपया हड्डी देखकर जरूर चैलेंज पूरा करें। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय पंकज बहुत ही धैर्य से जो है चैलेंज को स्वीकार किए और बहुत धैर्य से चिकन और बिरयानी को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 1 मिनट 25 सेकंड हुआ है पूरा जो है पूरी तरह से अभी, लेकिन चिकन पूरी तरह से साफ हुआ है। और 1 मिनट 27 सेकंड में भाई साहब आए, हौसला दिखाए, कंप्लीट कर लिए। देखते हैं अगले चैलेंजर के रूप में कौन आते हैं, इनसे आगे जा पाते हैं या नहीं। अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं एकदम हंसते मुस्कुराते। क्या नाम है आपका? सुनील जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बांका जलालपुर की धरती से चल कर आए हैं सुनील जी और चैलेंज को स्वीकार किए हैं, तो टाइमर चालू कर दीजिए। और टाइमर चालू हो चुका है और देखना है कि पंकज को पीछे कर पाते हैं नहीं। और देखते हैं सुनील जी आए हैं तो कितना हौसला दिखाते हैं और कहां तक जाते हैं। पंकज इस समय बहुत अच्छी कोशिश है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाने दीजिए। पंकज इस समय जो है 1 मिनट 27 सेकंड में खाए हैं, तो पंकज से पहले खाएंगे तब आप जो है इनाम की श्रेणी में आएंगे। आप हमारी बातों का ध्यान दीजिए, आप अपने चैलेंज पे ध्यान खाते रहिए, खाते रहिए, कोई हम लोगों को बात मत सुनिए। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं किसी की बात मत सुनिए, आप अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और भाई साहब आए हैं, देखते हैं कितना हौसला दिखाते हैं और कितने मिनट कितने सेकंड में कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और अभी भाई साहब कह रहे थे हम हैं, परेशान मत हो, आज यहाँ पर दिखाना है कि हम हैं तो क्या कम है। इतनी बिरयानी तो कम है, कम है। और हमको लगता है कि 1 मिनट में 3-4 प्लेट बिरयानी खा लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देख रहे हैं जो पंकज आए हैं इलाहाबाद से, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो ये जो है 1 मिनट 27 सेकंड में खाकर बढ़त बनाए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और हमको लगता है कि सुनील जी पंकज को पीछे करने की फुल तैयारी करके आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और भैया सुनील जी आप फाउल हो जाएंगे अगर आप गिरेगा तो, क्योंकि पूरा सलाद आप गिरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और इनके 5 मिनट प्लस होंगे। हाँ ये 5 मिनट 5 सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि इनका जो है पूरा सलाद और गिरा है चिकन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, हड्डी निकलना नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और ये दोनों लोग 27 हो चुके हैं, टाई नहीं हुए इनका, 5 सेकंड प्लस है ना। नहीं ये थोड़ा सा मतलब हड्डी को भर लिए थे, हड्डी निकाले नहीं, इसलिए वजह से डीक्वालीफाई हो चुके हैं। और जो पहले चैलेंजर आगे बढ़े थे वही एक बढ़त बनाए। हाँ। चिकन बिरयानी तो खाए लेकिन हड्डी को सीधा मुंह के अंदर भर लिए थे, इस वजह से हड्डी से मांस नहीं निकाले, पूरी हड्डी रख लिए थे, इसलिए वो डीक्वालीफाई हो गए। और उससे पहले मुकेश जी आए थे,
पंकज जी। हाँ, उनसे पहले पंकज जी आए थे, वो ही बढ़त बनाए हैं, 1:27 में खाए हैं। अगर उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा तो आगे जाएगा, नहीं तो पंकज जी ही आगे रहेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं एकदम, ये तो वो और तेज हंस रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बांका जलालपुर की धरती से मुकेश कुमार जी आए हैं। तो 1:27 का आपका टारगेट हुआ है, उससे पहले आपको खाना है, तो टाइमर चालू कर दीजिए। शुरू हो जाए भैया। अगर 1:27 से पहले खाएंगे तब आप पंकज को हरा कर टारगेट में रहेंगे, उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर उठा सकते हैं। और नीचे गिराएंगे, हड्डी खाएंगे तो आप डिक्वालीफाई हो जाएंगे सुनील की तरह। हड्डी छोड़ के प्याज बिरयानी चावल, मतलब सब कुछ तो बहुत टाइमिंग से खा लिए थे, लेकिन ऑटोमेटिक जो है अपने आप जो है बहुत अच्छी कोशिश है। और ये भाई साहब भी आए हैं तो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बढ़त बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। हड्डी मत लीजिए, बोलिए जिसको लगता है कि ये अच्छा नहीं खा रहे हैं, खुद आके वहाँ के खा के दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय, और हमको नहीं लग रहा है 1 मिनट तक जाएंगे भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और हमको लग रहा है पंकज भी पीछे होने वाले हैं। हाँ। भैया जी से और पंकज जी हौसले से खाए हैं, उस हौसले को देख रहे हैं कि हमसे पीछे कोई जाता है कि नहीं, तो इनको शायद ही पीछे कर दे भैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। इस बांका जलालपुर में एक नहीं बल्कि हजारों वीर हैं जो एक से बढ़कर, कोई दिक्कत नहीं, और देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भैया जी के लिए ताली अब बजना चालू होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में प्लेट को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है बिरयानी से खाली कर दिए हैं। बहुत अच्छी कोशिश है, खा लीजिए, खा लीजिए, खाइए, जल्दी से खाइए। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी कोशिश है। और भाई साहब पीछे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा चावल उठाए नहीं, कहते रुक के उठाएंगे, इसी वजह से पीछे रह गए। तो थोड़ा सा अगर हौसला और दिखा दे तो भाई साहब आगे चले जाते हैं। अभी पंकज जी से आगे कोई नहीं जा पाया है। चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कश्यप। कहाँ के रहने वाले हैं? जलालपुर। बांका जलालपुर की धरती से सूरज कश्यप जी आए हैं। तो देखिए बढ़त बना पाते हैं कि पंकज से हार के जाते हैं। तो तेज़ करते हो, टाइमर चालू कर दीजिए। अभी पंकज आए हैं तो एकदम पूरा आधी तूफान की तरह जुट गए और 1:27 का टारगेट बनाए हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो प्लेट उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे उठा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं सूरज कश्यप जी आए हैं तो कितने समय में खाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। भी जो है बहुत ही अच्छी टाइमिंग से जो है खा रहे हैं, पहली बार मंच पे आएंगे तो बहुत बढ़िया। और जिस तरह से जो है बहादुरी दिखा रहे हैं, सूरज कश्यप जी को गाइड कर रहे हैं तो राजू जी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। राजू जी कर रहे हैं, जान रहे हैं, एक्सपीरियंस अपना जो है इनको दे रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट टाइम सूरज कश्यप जी आए हैं, देखते हैं उसको गिर गया तो जाने दीजिए, जो गिर गया गिर जाने दीजिए, कोई चलिए चलिए कोई हंसी मत भाई, मैं वही खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मिलता रहे, खाते रहिए, खाते रहिए। पानी राजू जी, पानी उस तरफ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खाते रहिए, खाते रहिए। बहुत और देखते ही देखते सूरज कश्यप एकदम आधी और तूफान बन गए हैं, और बिरयानी कहाँ चली जा रही कोई पता नहीं, और 1 मिनट के अंदर बिरयानी समाप्त। 1 मिनट 1:03 है, 1:06:03 में मतलब कंप्लीट कर लिए हैं। सूरज कश्यप जी आए हैं और सलत गए और एक बार ताली बजा दीजिए भैया, और एक बार ताली बज चुकी है। अभी सूरज कश्यप जी आए थे, बढ़त बनाए थे, लेकिन क्या हुआ, वो हड्डी नहीं निकाले थे, हड्डी मुंह के अंदर डाल लिए थे और बाहर निकाल दिए, तो इस वजह से वो डिक्वालीफाई हो गए हैं। 1:30 में खाए थे, लेकिन पंकज जी 1:27 में खाए थे, वही बढ़त बनाए हैं। अगर पंकज जी को कोई पीछे करेगा मतलब हड्डी नहीं निकलेगा, तभी विनर होगा। तो देखते हैं अगले चैलेंजर ग्रुप में भाई साहब आए हैं तो कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। तो देर न करते हुए आप अपना नाम बता दीजिए। अजय। कहाँ के रहने वाले हैं? कुलहीपुर। कुलहीपुर की धरती से अजय आए हुए, तो देखिए अजय अजय हो सकते हैं कि नहीं, तो टाइमर चालू कर दीजिए भैया। और टाइमर चालू हो चुका है, और पंकज को हराना है तो 1:27 से पहले खाना होगा। बहुत बढ़िया कि सूरत का हड्डी को देख करके बिरयानी में छांट के दबा के खाइए। जैसे कि सूरत कश्यप आए थे खाने के लिए तो खा लिए, हड्डी सहित खा लिए, लेकिन पलटी मार दिए, तो पलटी मार दिए हैं, तो इसके लिए वो फाउल हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं, और खाने से ज्यादा उसकी निगरानी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अजय पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढने दीजिए, हड्डी कहीं ना उसमें छुपी रह जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और भाई साहब आए हैं, देखते हैं कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। छाट बेला के खाइए, कोई दिक्कत नहीं, सुबह नहीं शाम तक खाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत गजब, बहुत। और जैसे कि देख रहे हैं अजय जी बहुत छाट बिरा के खा रहे हैं, कहीं जो है हड्डी हाथ में न लग जाए, और इसी देख तो सोच रहे हैं कहीं फाउल ना हो जाए, यही सोच रहे हैं। और देखते ही देखते टाइमर जो है 1 मिनट 4 सेकंड का सफर तय कर चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और बहुत अच्छी, यहाँ पर धर्मेंद्र जी डंडी लेकर खड़े हो गए हैं। खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत गजब, जितनी उनकी स्पीड है उस हिसाब से खाने दीजिए, कोई दबाव नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और धर्मेंद्र जी हम कहेंगे थोड़ा शांत, शांति बनाए रखिए। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अजय कुलहीपुर से आए हुए हैं, लेकिन अब पंकज जी को जो है, और अजय जी आए, हौसला दिखाए, अजय जी का धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं अगले चैलेंजर ग्रुप में कौन आते हैं, जो पंकज जी से आगे जा पाते हैं नहीं। चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं एकदम मोछे पे ताव देकर। क्या नाम है आपका? शेखर पासी। शेखर पासी कहाँ के निवासी? बाका जलालपुर। बाका जलालपुर के निवासी शेखर पासी आ चुके हैं। तो देर न करते हुए टाइमर चालू कर दीजिए, और देखना है कि शेखर जी पंकज को हरा पाते हैं या पंकज से खुद हार जाते हैं। और देखते हैं शेखर पासी जी आए हैं तो कितने समय में कम्प्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया। अपने हिसाब से खाइए और हड्डी देख के खाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बोलिए मत, पानी वहाँ लेके जग में खड़े हैं, परेशान मत होइए। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय शेखर बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही मस्त ढंग से खा रहे हैं। और देखते हैं शेखर जी आए हैं तो कितनी बड़ा बनाते हैं और कहाँ तक चैलेंज को लेकर जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय अगर कोई बढ़त बनाया है तो पंकज, और पंकज को पीछे करना है तो 1 मिनट 27 सेकंड से पहले बिरयानी को समाप्त करना है। और ऐसा लग रहा है कि आज चाइनीज बिरयानी की, ऐसा लग रहा है कि शेखर जी जो है पंकज को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और शेखर जी पानी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिरयानी पे कम। बहुत बढ़िया शेखर, 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 शेखर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर शेखर के लिए कोई हल्ला मत मचाइए। और देखते ही देखते पंकज पूरी एक मिनट 14 सेकंड में बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। तो शेखर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि को कैश देते हैं। शेखर जो है आधी की तरह और तूफान की तरह बिरयानी को एकदम चट कर गए, मतलब मोछे की इलाज बचा लिए। तो शेखर जी आए, हौसला दिखाए, 1 मिनट 14 सेकंड में कंप्लीट कर लिए हैं। और जितने भी चैलेंजर थे सबसे आगे चले गए, और एक चैलेंजर 1 मिनट 3 सेकंड में खाए थे लेकिन वो डीक्वालीफाई हो गए थे, मतलब हड्डी भी निकल गए थे, मतलब हड्डी बाहर नहीं निकाले थे, तो उनके ऊपर जुर्माना नहीं लगा लेकिन वो डीक्वालीफाई हो गए। तो शेखर जी आए, हौसला दिखाए, शेखर जी का धन्यवाद करते हैं और इनको इनाम की राशि तुरंत कैश देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शेखर जी आज विजयी हुए, तो इनके लिए एक बार ताली तो बजा दीजिए यार। और इस समय शेखर एकदम हंसते मुस्कुराते इनाम पा गए हैं, पैसे पा गए भैया। देख लीजिए, सही है असली वाली एक नकली वाली, असली वाली है ना। तो आपको ये चैलेंज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो शेखर जी आए, हौसला दिखाए, शेखर जी का धन्यवाद करते हैं। इलाहाबादी चैनल के चैलेंज को स्वीकार किया और विनर भी हो चुके हैं। तो शेखर जी के लिए एक बार ताली हो जाए, ताली बजा दीजिए। और शेखर जी जैसे कि आज भी हल्ला भी हो चुका है, तो इसी के साथ इस चैलेंज को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।